ये लड़का हमारे घर कैसे आ गया और अम्मा कैसे इसकी मेहमानदारी कर रही हैं? तुम्हें याद है अम्मा जिसका बताती हैं नेक और हमदर्द लड़का, अरे जो सामान उठा उठा के घर लेकर आता है, ये वही लड़का है। ओह माय गॉड, ये वो जोकर है। आहिस्ता बोल, बाहर आवाज चली जाएगी। लेकिन इस लड़के के साथ तो कोई औरत आई है। अपनी अम्मा को लेकर आया होगा ना हमारी अम्मी से मिलवाने के लिए, चाह रहा होगा कि दोनों बुजुर्ग सहेलियां बन जाए। अजीब सी बात नहीं है? अजीब बात क्या है चांदनी, लोगों के घर मेहमान नहीं आते क्या? ऐसे अजनबी मेहमान तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम ये सारी बातें मुझसे बाद में कर लेना, सबसे पहले जल्दी से चाय बनाओ। अम्मी कह रही है कि जल्दी से चाय लेकर आओ। क्या बात है, ये पहले मेहमान है जिनकी खातिरदारी तुम इतने शौक से कर रही हो। चांदनी ये सारी बातें तुम मुझे बाद में सुना लेना, शुगर पॉट कहाँ रखा हुआ है? मेरे फरूख की बहुत अच्छी जॉब है और इसके अब्बा की पेंशन भी आती है तो बहुत अच्छा गुजर हो जाता है। बस अब तो मेरी ख्वाहिश है कि फरूख की जल्दी से शादी हो जाए और मेरे घर में भी बहू आ जाए। बहुत नेक ख्याल है आपका। सारे ही वालदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के घर आबाद हो जाएं, बस जाएं। मगर कभी कभी कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता। सही कहती है, माँ बाप की बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। ये हूरिया है मेरी बेटी, बीए में पढ़ रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वो कहते हैं ना, नाम पे शख्सियत का अक्स होता है। मेरी तो बस ये दुआ है कि अल्लाह मेरी बच्चियों के नेक नसीब करे। बस बहन, मैं भी आपके पास कुछ इसी गर्ज से आई हूँ। मेरे फरूख के लिए आप अपनी हूरियाँ मुझे दे दें। हूरियाँ तुम अंदर जाओ। जी। आप हमारे घर आई हैं, आपने बहुत इज्जत दी है ये बात कहकर, लेकिन हमारे खानदान में हम बच्चियों की शादियां इतनी जल्दी नहीं करते। मेरी बड़ी बेटी की भी शादी नहीं हुई है, तो छोटी के रिश्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो नसीबों की बात है, आप परेशान क्यों होती हैं? बहुत जल्द उसकी भी शादी हो जाएगी। बात परेशानी की नहीं है, मेरा ये मानना है कि लड़कियों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई दफा ऊंच नीच से गुजरना पड़ता है, कम से कम इस काबिल तो हों कि अगर बुरा वक्त हो तो अपना सहारा खुद बन सकें। हूरिया, अंदर क्या हो रहा है? मेहमान आए? अम्मा के कोई रिश्तेदार आए? नहीं, मेरा रिश्ता लेकर आई है। तुम्हारा रिश्ता? हाँ।